हालात बहुत खराब है अभी। आपको पता ही है कि आने वाले टाइम पे और भी मुश्किल आने वाली है। निकलना जरूरी नहीं है। आपको पता है हालात कैसी कितनी खराब है अभी श्रीनगर के अंदर। ये पहली एम्बुलेंस है जो दिल्ली के अंदर फर्स्ट टाइम आई है। जो अवेयरनेस गवर्नमेंट अपने तरीके से अवेयरनेस करती है, आप देखते हैं गाड़ियों में जाते हैं, कहीं कोचों में, मगर डल्ले के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि डल में कोई आए और अवेयर लोगों को करे। ये तबका को ऐसे ही छोड़ा है, हम इतनी मुसीबत में हैं सब लोग, मगर हमें आज तक गवर्नमेंट की तरफ से एक भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली है। ये पहली है जो लोकल बनाई है हमने एज एन जी ओज या जो जो भी ट्रस्ट है उन लोगों ने मदद करके ये बनाई है। अदरवाइज़ ये गवर्नमेंट का काम था और इससे पहले बनाना था, ये अब बन गई। इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जब तक कि लोगों को अवेयर ना हो जाए कि एक एम्बुलेंस की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, ये कितना ज़रूरी है। जब लोगों के समझ में ये आएगा तब जाके हम वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और तब ये एक भी कम पड़ेगी। अगर ऐसे हालात रहे जो अभी देखिए सेकंड वेव, अब बोलते हैं थर्ड वेव आने वाली है, अब देखिए हालात क्या है। अभी दो हफ्ते भी डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि अभी इतना ज़्यादा दो हफ्ता क्रूशल है कश्मीर के अंदर कि मुझे लगता है कि 10,000 लोग भी इसमें आ सकते हैं। और हम कहते हैं कि भाई आप लोग इसका बेनिफिट लीजिए, ये बनाइए, लोगों के लिए बनाइए, चाहे कोई भी बंदा हो। ये खाली हाउस बोट कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये हर एक बंदा जो डल लेक में रहता है, जिसको भी ये ज़रूरत हो वो आ सकते हैं, इसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें जो भी गाइडलाइंस हैं वो हमें फॉलो करना है। मास्क हमें डबल लगानी है, घर में बैठ के भी घर में हमें मास्क लगाएं, क्योंकि ये एयर में भी अभी आप देख सकते कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने ये वो जानता है जो हॉस्पिटल में है। आप जाइए, अगर किसी को देखना है वो हॉस्पिटल में जाके देखे कितनी परेशानी है। तो आप लोग अपने अपने फैमिली को बचाइए, खुद को बचाइए, घर में बैठे SOPs को फॉलो कीजिए। और अगर आप किसी कहीं पे कोई कोविड पेशेंट है कोई है, मुझे कॉल कीजिए, मैं जाऊँगा, मैं उसको खुद अपने हाथों से इसमें बिठाऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं हर एक बंदे से यही अपील करता हूँ कि आप इसका बेनिफिट लीजिए, ये आपके लिए बनी है।